नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। जो भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं सबको सुबह की नमस्कार। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें, सबसे पहले तो एक खुशखबरी आपको बताएंगे और उसके बाद बहुत सी खबरें हैं और कई राज्यों से हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड जानकारी भी है और आंगनबाड़ी बहनों के ट्रांसफर यानी समायोजन से रिलेटेड भी जानकारी है। तो अभी बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है जो बिहार राज्य की बहनों के लिए है। यहां पर सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। बिहार सरकार का ऐसा आदेश है और इस पर काम भी चल रहे हैं। समय समय पर सारे सरकारी आदेश बिहार के हमारे द्वारा चैनल पर दिखाए जा चुके हैं। आगे देख लीजिएगा, नई शिक्षा नीति को अमल करते हुए जल्दी प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों को मान्यता देने जा रही है सरकार। तो इस पर भी चीजें सब साफ सुथरी चल रही है। नई शिक्षा नीति में 6 माह की और 1 साल की ट्रेनिंग का प्रावधान था जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उस हिसाब से किया नहीं, लेकिन बिहार सरकार उस हिसाब से ही कर रही है। आंगनबाड़ी बहनों को 6 माह की 1 साल की ट्रेनिंग उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनको दिलाई जा रही है। जो भी बहनें पढ़ना लिखना चाहेंगी उनको जो है पढ़ने के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। फॉर्म अप्लाई उनके हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे। और तीसरा पॉइंट है, साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि बच्चे खेल खेल में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। अच्छी बात है, बिहार की बहनों के लिए एक ये सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़िएगा। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, अब आपको ये बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले हो गए हैं जहां पर आज की डेट में भर्ती चल रही है, जिनमें आप देखिएगा बागपत जिला, बलिया जिला, बांदा जिला, बाराबंकी जिला, चंदौली जिला, गाजीपुर जिला, गोंडा जिला, हमीरपुर जिला, हापुर जिला और नीचे है यहां पर जौनपुर जिला। अब और चलते हैं ऊपर, आपको और बताते कौन कौन से हैं। तो ये देखिएगा, हापुर हो गया, जौनपुर भी हो गया, अब कानपुर नगर हो गया, ललितपुर भी हो गया, लखनऊ भी है, महोबा भी है, मुरादाबाद भी है, रामपुर भी है, सहारनपुर भी है और संभल जिला भी है। इतने जिले हो गए हैं जो आज की डेट में भर्ती में चल रहे हैं और ये डेली जिले की संख्या बढ़ रही है। जैसा कि मैंने कल शाम के वीडियो में कहा था कि 3 जुलाई तक उम्मीद रखिएगा सभी जगह जितने जिले हैं सब जगह भर्ती के लिए विज्ञापन आ जाएंगे। कड़ा निर्देश है निदेशालय से, नहीं आएगा तब भी बताया जाएगा और जितने जितने जिले बढ़ते जाएंगे खबरों में हम आपके लिए लाते जाएंगे। बाकी भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश का वीडियो चैनल पर पड़ा है, 30 जनवरी को डाला था, चैनल पर आप जाकर के देख सकते हो। और कम्युनिटी में मैंने कल उस लिंक को दोबारा पोस्ट कर दिया था, वहां से आप आसानी से पा जाओगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। सब्सक्रिप्शन फोल्डर में चले जाना। अब देखिएगा एक खबर और आई है, ये आंगनबाड़ी बहनों के काम आएगी। ICDS में जल्द लागू होगी तबादले की ऑनलाइन व्यवस्था। एक जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने अभी हाल ही में आदेश जारी किया था, शायद कल के या परसों के या कल के वीडियो में मैंने बताया था, सुबह के वीडियो में ही बताया था। तो उसमें मैंने कहा था कि तबादला जो बहने करना चाहे, बदली करना चाहे अपने एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर, तो वो कर सकती है, वहां पर अधिकारी ने कहा है। तो अभी इन चीजों की जरूरत मैंने कहा था पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के लिए है, क्योंकि भर्ती से पहले तबादले हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पद अभी खाली है। फिर जहां पर जो पद खाली होंगे तबादले के बाद में, उन पदों पर सरकार भर्ती निकाले तो बेटर रहेगा। तो इसी चीज को अब लखनऊ से खबर आई है, अमर उजाला ब्यूरो में खबर भी छप गई कि तबादला नीति जारी होने के बाद नई व्यवस्था लागू करने की कवायद शुरू की गई है। और यहां पर आपको बताएंगे पूरा मैटर क्या है, तो उम्मीद बना के रखिएगा। राज्य सरकार की ओर से तबादला नीति जारी होने के बाद अब विभागों में तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में तबादले की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल विभाग की तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने कार्मिकों के तबादले को पारदर्शी बनाने की कवायद शुरू कराई थी। इसके तहत शासन व निदेशालय स्तर से होने वाले सभी श्रेणी के कार्मिकों के तबादले की ऑनलाइन
ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के लिए पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया था। इसी बीच कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से पिछले साल स्थानांतरण सत्र को शून्य घोषित कर दिया गया था। नतीजन सारी कवायद रुक गई थी। अब सरकार ने इस साल के लिए स्थानांतरण नीति की घोषणा कर दी है और इसके मद्देनजर विभाग में एक बार फिर ऑनलाइन व्यवस्था को लागू करने की कार्रवाई तेजी से शुरू कर दिया गया है। तो आप लोगों के तबादले को लेकर के अब राज्य स्तर से प्रयास चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उम्मीद रखिएगा जो भी जनपद से आप हैं वहां पर भी जल्द से जल्द तबादले होने शुरू होंगे। पिछले कल या परसों के वीडियो में सुबह में मैंने कहा था, तबादले से जुड़े हुए कुछ चीजें बताई थी, जिसमें कहा था क्या क्या सर्टिफिकेट टाइप का लगता है, कौन कौन से पत्र जरूरी होते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है ट्रांसफर में। तो आप उसके लिए कल या परसों वाला वीडियो देखिएगा। इसीलिए मैं कहता रहता हूं पुराने वीडियो को भी समय निकाल करके देखा करो अगर आपके छूट जाते हैं, वरना आगे रोज रोज वही चीजें बताना संभव नहीं हो पाता है। लिखा है नई नीति में अधिकतम 20% कर्मियों के ही तबादले किए जाने का प्रावधान किया गया है। शासन का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से जहां कर्मचारी के तबादले में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, वहीं पारदर्शिता भी आएगी, ऐसा इनका मानना है। वहीं सीडीपीओ संघ ने प्रमुख सचिव व निदेशक से 3 विकल्प वगैरह लेने की मांग भी की है। जैसे उधर सीडीपीओ संघ के अध्यक्ष एके पांडे के संबंध में विभाग की प्रमुख सचिव और निदेशक आईसीडीएस को पत्र लिखा गया। ऑनलाइन तबादले के लिए तैयार हो रहे पोर्टल के प्रारूप में कर्मचारियों के तबादले के लिए 3 विकल्प लेने का कॉलम भी बनाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने पोर्टल के प्रारूप में दाम्पत्य नीति और आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति आदि के कॉलम शामिल किए जाने की मांग कर की है। तो इस तरह से ये मैटर चल रहे हैं। आगे जो भी आएगा जब सरकारी आदेश में आएगा आप उन चीजों को मानना। अभी ये मनोजला ब्यूरो की पोस्ट है, इसमें जो है वो आप लोग जानिएगा। बाकी पिछले एक जिले का हाल तो बताया था तबादले का, वहां पर जो जो मांग रहे हैं वो सब बता चुके हैं। आगे एक मैसेज आया सुधांशु भैया लिखा हुआ, देखिए प्रिय सुधांशु भैया, वो समस्या बहन की ये है कि इनके यहाँ पर राशन पानी आ रहा है कम वितरण के लिए। तो अब जब ये वितरण के लिए जाती हैं क्षेत्र में वितरण करती हैं तो कुछ लोग छूट जाते हैं। जो छूट जाते हैं उनका कहना है वो जो है यहाँ पर आप देखिएगा, उनका कहना है जो छूट जाते हैं लाभार्थी उनके घर वाले उन्हें उल्टी सीधी तरीके से बद्दुआएं देते हैं। अब लेकिन जब घर में वगैरह वो आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी, दामाद, नाती, नतनी इनकी डेथ हो गई। अब इन्होंने लिखा तो सबको है, बहन की बेटी लिखा, दामाद लिखा, नाती नतनी सब लिख दिया, तो भाई सबकी डेथ हो गई या अकेले किसी एक की हो गई। फिलहाल जिसकी भी हो गई इसका कारण वजह वो नहीं है कि आपको बद्दुआएं मिली हैं तो ये हो गया, क्योंकि उसमें आपकी गलती ही नहीं है। जो ऊपर से ही नहीं आ रहा तो आप अपने घर से तो बांट नहीं सकती। हां जब इंसान गलत करता है तो गलत होता है, यदि आपने गलत ही नहीं किया है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी बद्दुआएं किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान से जलने वाले भी लोग होते हैं। मान लीजिए किसी सरकार को ही ले लो, किसी नेता को ही ले लो, अब चाहने वाले भी उसके लाखों में होते हैं तो नफरत करने वाले भी होते हैं जब उसकी जो है जरूरतें लोग जरूरत नहीं पूरी कर पाते हैं। जैसे जुमला दे देते हैं तो जो है लोग जो है बद्दुआएं ही तो देंगे। तो अब मौजूदा समय में भी सरकारों का हाल आपने देखा, लोग कितना कोसते हैं कि आंगनबाड़ी बहने लाखों की संख्या में, योगी सरकार को नहीं कहती कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, मानदेय बढ़ाने का वादा किया फिर भी नहीं दिया। तो ये सब चीजें क्या उनको कुछ असर पड़ रहा है? कुछ नहीं। तो ये जो चीजें हैं वो अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाती है, इन पर आप कभी मत सोचिएगा। आगे लिखा हुआ है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज, और ये बहन ने मुझे भेजा है, इनका कहना है कि यहाँ पर सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश के जिले के लालगंज ब्लॉक से हूँ। मैं कार्यकर्ती पद पर जो है कुल आंगनबाड़ी का इनका चार्ज है, मिनी कार्यकर्ती का चार्ज है, ये आंगनबाड़ी वाले फुल वाले चार्ज पर ये फार्म भरना चाहती तो बिल्कुल भी भर सकती हैं। मैंने कहा था सहायिका बहने भी जो है फार्म भर दें, सब कोई भर सकता है, आंगनबाड़ी बहने भी भरे और सिंपल लोग भी भर सकते हैं। आगे आप देखिएगा निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक आदेश जारी है, 15 जून को निकला है। यहाँ पर इन जिलों के नाम लिखे हुए हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी वगैरह सबके, जैसे मैं आपको जिलों के नाम बता रहा हूँ, जनपद इसमें एटा, बलिया, बरेली, बाराबंकी, बांदा, बस्ती, बदायूं, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, महोबा, बिजनौर, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, संत कबीर नगर, भदोई, भदोई में लिखा है संत रविदास नगर उसका नाम है, संभल, देवरिया, फरुखाबाद, जालौन, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, गोंडा, गोरखपुर, गाजीपुर, ललितपुर, अमेठी, जौनपुर, रामपुर, रामपुर दोबारा लिखा हुआ है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश वगैरह में इतने जिले हैं जिनके बारे में लिखा है कि 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के विकास कार्य की प्रगति से संबंधित माह अप्रैल 2021 की सूचना भेजने के विषय में निदेशालय से लेटर आया है। और इसमें लिखा है कि 100 आकांक्षात्मक
विकास खंडों में विकास कार्यों का शासन द्वारा नियमित अनुश्रवण निर्धारित प्रारूप पर किया जा रहा है, तो उसी पर सूचना मांगी गई है माह अप्रैल की गूगल शीट वगैरह के माध्यम से, ये विभाग को ईमेल वगैरह के माध्यम से भेजी जाएगी, 15 जून तक जो है उपलब्ध करा दी गई है, इसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी लिखा जाता है आपको निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल की आकांक्षात्मक विकास खंडों की जो सूचना है उसको अन्य जगह की जो रह गई है वो लोग भी अपना 18 जून तक जो है अनिवार्य रूप से निदेशालय को भेज दें। ये वहां पर जो है अधिकारियों को लेटर भेजा गया, जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों को। अब दोस्तों आगे बता दें, पूनम जो है जयसवाल बहन है उन्होंने ये लेटर भेजा था, बहन को धन्यवाद। इनके अलावा चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक ये भी हमारे पास जानकारी आई है, इसमें लिखा है ओडी के वेब फॉर्म को भरने हेतु निर्देश बिंदु है। ये ओडी के एक वेब फॉर्म है, दरअसल ये आपसे ही जुड़ा हुआ मैटर है, मैं आपको बता दूं। यहां पर एक अभी आप लोगों ने नाम कल सुना होगा संभव, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है यहां पर, ये देख सकते हैं संभव पोषण संवर्धन की ओर एक जो है कदम, तो विशेष अभियान जो है जून से लेकर सितंबर तक चलेगा, तो संभव से रिलेटेड ही सारी जानकारी यहां पर है, संभव पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। इसमें जो भी भरना वरना होगा उसके बारे में आवश्यक आप लोगों के लिए टिप्स दिए हुए हैं और दिशा निर्देश हैं। इनके लिए हम आपको बता दें चैनल की कम्युनिटी में मैं फिर इन चीजों को पोस्ट कर दूंगा और वहां से आप इन चीजों को देख सकते हो। ओडी के वेब फॉर्म को भरने के लिए निर्देश जो भी है उनको अच्छे से आप पढ़ लेना और सीख लेना, देख लेना उसको अच्छे तरीके से। बाकी आगे आपको बता दें अगर आपके काम का होगा करना, वरना शायद सुपरवाइजर बहनों के या किसी अन्य के काम का होगा तो वो लोग कर लेंगी। बिहार सरकार से निदेशालय से एक लेटर निकला है 16 तारीख को और हमारे पास रविराज भाई ने भेजा था। इनके अलावा आप देखिएगा यहां पर जो इसमें लिखा है सहायक निदेशक का ये लेटर है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नालंदा को भेजा गया है और बाल विकास जो परियोजना पदाधिकारी है वो परवल वगैरहपुर नालंदा के उनको भेजा गया है। लिखा गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण पत्र इनका सत्यापन प्रतिवेदन भेजो, इसके बारे में आया है। नीचे लिख करके भी दिया है कि जिला परियोजना से संबंधित कुल एक आंगनबाड़ी सेविका की शैक्षणिक प्रमाण पत्र से संबंधित सत्यापित प्रतिवेदन की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, विदित हो कि इसे पूर्व में ईमेल से भेजी जा चुकी है, ऐसे करके इन्होंने यहां पर भेजा हुआ है। तो इस तरह से चीजें चल रही है, बिहार में सत्यापन नहीं हो पा रहा है शैक्षणिक जो है योग्यताओं का प्रमाण पत्रों का, इसलिए यहां पर मैटर काफी देर से खिंच रहे हैं। रविराज भाई है उनके द्वारा ये सारी लेटर वगैरह भेजे गए जिनमें कुछ कल ही दिखा चुके हैं और कुछ आज आप लोग देख रहे हैं। बिहार सरकार का यह 16 तारीख को एक और लेटर निकला और यहां पर मुख्यमंत्री सचिवालय के ई कॉम्प्लेंस डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त जो परिवाद है जिसका QR संख्या ये लिखा हुआ है जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में आया है। श्री शिवशंकर भगत हैं सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम रामनगर पोस्ट सिरौली थाना रीगा जिला सीतामढ़ी से, उनको ये भेजा गया है जिसमें यहां पर लिखा गया कि परिवादी का आरोप क्रय पंजी एवं अन्य पंजी ऑनलाइन के द्वारा देखने से संबंधित है। इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सीतामढ़ी का पत्रांक 861-2621 द्वारा सूचित किया जाता है कि क्रय पंजी एवं अन्य पंजी वर्तमान में ऑनलाइन देखने की विभाग द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भविष्य में प्रावधान होने पर इस प्रणाली को लागू किया जाएगा जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है प्रतिवेदन के आलोक में मामले को निष्पादित माना जा सकता है, इस तरह से आया है। तो यहां पर एक ये ई कंप्लेंट डैशबोर्ड पोर्टल पर ये परिवाद गया होगा यानी शिकायत गई होगी जिसके संबंध में ये चीजें मांगी जा रही है। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं ये एक मैटर और आया है, दिनांक 11 जून को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका इनके नियोजन के लिए रोस्टर से संबंधित एक बैठक करवाने के संबंध में आदेश आया था। तो यहां पर देखिएगा 13 जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। इसमें और बता दें आपको मधुबनी के भी थे, सारण सीतामढ़ी गया वैशाली सिवान और ये सब शामिल थे। वैशाली के जिला जो पदाधिकारी के यहां 18 जून तक आयुक्त कार्यालय भेजने के निर्देश इसमें दिए गए हैं, बाकी जगह के ये सामने सामने सबके लिखे हुए हैं जो कि डेटे तो निकल गई है। नीचे आप देखिएगा पश्चिमी चंपारण और ये सभी जो है 13 जिलों के नाम यहां पर दिए हुए हैं और अगले सप्ताह तक वो पूर्ण करने के इसमें निर्देश है। बाकी नीचे इसमें लिख के आया है कि बैठक के अंत में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अविलंब रोस्टर का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिया गया है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा सके अगली बैठक एक सप्ताह के बाद आहूत की जाएगी, इसके बारे में है। तो आलोक कुमार निदेशक थे, उन्होंने लेटर 17 जून को ये निकाला है और आप देख सकते हो यहां पर दिनांक 17 जून पड़ी हुई है और जैसा कि आप देख सकते हो मैटर अभी पीछे वाला जो भी ये बैठकें करवाई गई है यहां पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन के लिए रोस्टर बनाने से जुड़ा हुआ मैटर है। तो जो सूचना इससे जुड़ी और भी आदेश आएंगे वो भी आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में दिखाई
निकाली जाएंगी। इनके अलावा आप देख सकते हो यहां पर एक मैटर यह आया था, 16 जून को आदेश निकला था, ये प्रेषक हैं आरवी सिंह जी, विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये लेटर निकाला था। दरअसल ये है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जिस जो है उसकी वैधता के संबंध में। अब जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है यानी टीईटी, देखो पीटी के बारे में हमने आपको बताया वो अलग है और ये टीईटी शिक्षक से जुड़ी हुई है अलग है। तो यहां पर जो शिक्षकों के लिए टीईटी देना जो अनिवार्य होता था उसकी वैधता पहले 5 साल तक लगभग शायद हुआ करती थी, अब वो लाइफ टाइम हो गई है। तो अब आप ये मान के चलिएगा एक बार अगर आपने टीईटी का पेपर दिया और पास कर लिया तो फिर आप आजीवन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, पहले वो कुछ समय के लिए अवधि के लिए ही वैध माना जाता था। अब बात करते हैं ये पीटी हो गया, देखो पीटी और टीटी दोनों अलग अलग है, कंफ्यूजन मत लेना, ये पीटी के बारे में है वो लाइफ टाइम है और जो ये टीटी है जो लाइफ टाइम है और जो पीटी है वो आपका जो जैसा कि मैंने पहले कहा था पीटी वाला वो आपका 1 साल का है। तो इन चीजों के बारे में आप अपना ध्यान बनाए रखना। गीता देवी बहन है उनके द्वारा ये एक फोटो भेजी गई है, इनके अलावा एक ये हेमलता बहन है सैफई इटावा से उनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें एक ये बहन है इन्होंने भी भेजा है, इनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ पर सामान मिला है साथ में ताला मिला है लेकिन बक्सा नहीं मिला है, ये ताला कहां पर लगाएं, पॉलीथीन पर लगाएं क्या? तो इस तरह से उन्होंने लिखा श्रीकांति यादव बहन रायबरेली से और यहां पर देखिएगा ये उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है। इनके अलावा सुनीता सिंह बहन है और एतमादपुर आगरा से उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है वजन करते हुए, बाकी कुछ और भी फोटो आई थी उनको चैनल पर नहीं लाए हैं, उसमें कारण यह है कि बहनों ने बहुत ज्यादा फोटो भेजी है, उनमें किसी ने 10-15-20 ऐसे ऐसे फोटो भेज दी है, जबकि हमेशा कहता रहता हूं एक से ज्यादा फोटो कभी मत भेजिएगा, साफ सुथरी हो और अपना नाम भी लिखा हो। तो जो भी साफ सुथरा दिखाने लायक कंटेंट होता है वही अब लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं है कि 15-20-50 जो मन में आए सो भेज दिया और सब चैनल पर आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। आगे आप लोग भी ध्यान देना और